दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके राशन कार्ड में किस किस मेंबर की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है और किस किस मेंबर की केवाईसी अभी तक पेंडिंग है। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता होगा कि राशन कार्ड की केवाईसी हमें राशन डीलर की दुकान पर जाकर कंप्लीट करानी होती है और गवर्नमेंट की तरफ से अभी राशन कार्ड की केवाईसी को कंप्लीट कराने की जो अंतिम तारीख यानी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर कर दी गई है। इसका मतलब है कि हम अब 31 दिसंबर तक कभी भी अपने राशन कार्ड की केवाईसी को कंप्लीट करा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फोन से ही अपने घर के सदस्यों की यानी कि जिनका नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है उनका केवाईसी का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें Google Play Store से मेरा राशन 2.0 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें एंटर योर आधार नंबर में अपना आधार नंबर एंटर कर देना है और नीचे यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है और उसके बाद हमें लॉगिन विद ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर एंटर कर दिया है, नीचे यहाँ पर मैंने कैप्चा भी एंटर कर दिया है, उसके बाद हमें लॉगिन विद ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें 6 डिजिट का एक ओटीपी हमारे आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को हमें यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर ओटीपी लिखने के बाद हमें वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर एक क्रिएट एम पिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों यदि हम इसे स्कीप कर देंगे तो भी हमारा इस बार के लिए तो काम चल जाएगा, लेकिन जब भी हम नेक्स्ट बार इसे लॉगिन करेंगे तो हमें अपना आधार नंबर और ओटीपी डालना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि एक एम पिन सेट कर लें और बार बार आपको आधार नंबर और ओटीपी का झंझट ना हो तो यहाँ पर आपको क्रिएट नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर दो बार आपको एम पिन अपना सबमिट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो एम पिन है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद हमें ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो राशन कार्ड है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर हमें दिख जाएगा। दोस्तों यहीं पर आप यदि एक और क्लिक करेंगे इसी स्क्रीन पर तो आप देखेंगे कि आपका जो फैमिली का जो डिटेल्स है, जो राशन कार्ड में जितने भी मेंबर्स है उन सबका डिटेल्स भी यहाँ पर शो हो जाएगा। दोस्तों अब हमें हमारे जो मेंबर्स हैं इस राशन कार्ड में उनका केवाईसी चेक करना है कि किसका कंप्लीट हुआ है और किसका नहीं। उसके लिए हमें मैनेज फैमिली डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इस राशन कार्ड में टोटल मेंबर्स है वो 5 हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी मेंबर हैं उनके सामने आधार केवाईसी का एक ऑप्शन दिखेगा और उसके सामने आप देखेंगे कि नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब है कि ये जितने भी मेंबर हैं उनका जो केवाईसी है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल केवाईसी पेंडिंग 5, यानी कि जितने मेंबर थे उन सबका ही केवाईसी अभी तक पेंडिंग है। दोस्तों आप भी कुछ इसी तरीके से अपने राशन कार्ड में जितने भी मेंबर है उन सबका केवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।